गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जाने वाले हैं मुंबई टूर के ऊपर। आप लोगों को दिखाएंगे मुंबई वर्सेस दिल्ली कैसा रहता है। एंड हम एक स्पेशल दोस्त से मिलने वाले हैं। और कल एक स्पेशल इवेंट था वेंकी भाई, वो काफी अपने फॉलोअर्स में कैसा लगा भाई आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे रिसेप्शन 19th फ्लोर का। मेरे को समझ नहीं आता ये क्या तू बोला, बाहर से दिख रहा है व्यू थोड़ा सा। अभी निकलते हैं, बहुत अच्छा लगा टेक्सचर। हेलो भाई, कैसा क्या हाल चाल? हेलो हेलो, क्या हाल चाल? तो भाई हम फाइनली मिलने वाले हैं हमारे स्पेशल दोस्त। और हमने शो भी करा था जहाँ पे हमारी बेइज्जती हुई थी थोड़ी। हम करनी बात प्रोफेशनल। अभी थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे, मैंने सीक्रेट बातें भी सुन ली थी। भाई का एक नया कुछ लॉन्च होने आएगा, कुछ तो आ रहा है एक नया। हाँ, अब वो क्या है आप गेस करो। मैं थगेश को बता रहा था कि दिल्ली जो है मैंने आगे सुना ही नहीं, मुंबई बेटर है, मुझे सुनना ही नहीं। वैसे अभी हम आ चुके हैं आईप्लेक्स के ऑफिस। जब आप आओगे दिल्ली तो मैं आपको दिल्ली दिखाता हूँ। देखो आईप्लेक्स को भी मुंबई आना पड़ा। बट दिस इज सेकेंडरी ऑफिस आईप्लेक्स। बट अभी हमने खाना वाना इकट्ठा कर लिया, मुंबई वालों के लिए एक ही देंगे। क्या सोच के भाई तूने बस हमारे लिए मंगाया, थगेश के लिए नहीं मंगाया? भाई सब्सक्राइबर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। हमने सोचा था वहाँ जाएंगे लालबाग, बट थोड़े देर चैलेंजेस आ गए। कल विसर्जन है तो आज दर्शन बंद कर दिया। तो ऐसा है कि 12-24 घंटे की लाइन होती है वहाँ पे, अगर आप VIP नहीं हो तो। VIP एंट्री है तो कितने मिनट में? 2-3 घंटा मेरे को तो दे देंगे, बट इनको उसको पता नहीं। रास्ते पे ऐसी भीड़ होगी ना कल, सारी दुकानें भी बंद विसर्जन के दिन। सब हम तो लकी दिन है यार, लग रहा है। कैसे बनाए गणपति जी विसर्जन की वीडियो अगर बनानी है तो उसे खिड़की चले जाओ। कहां पे पब्लिक अपने आप आपको लेके जाएगी, बॉडी को फ्री छोड़ दूंगी। अभी आपको सरिया में लेके चले जाएगी। मेरा ना विसर्जन कहाँ लेके जा रहे हो आप? मीठी भाई, मीठी वहाँ भी मीठा खाना मिलता है? बहुत गंदा था ये भाई, लग रहा था मेरे को यार। लोग भाई अब मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? श्लोक भाई को वड़ा पाव अच्छा लगेगा कि नहीं? अरे भाई जैसे मेरी दुकान है वो। वड़ा पाव मैंने ऐसे खा रखा है एक दो बार, बस वैरायटी नहीं है यार। वड़ा पाव में क्या वड़ा है और पाव है? मुंबई का कुजीन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैथ्स में होता है ना x+y = फूड, तो इसमें x यहाँ पे कांस्टेंट है पाव, एंड इसमें आप y में कुछ भी लगा दो, हर चीज में पाव लगा दो, पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव, कुछ भी पाव में मिक्स कर दो भाई। यहाँ पे मोमो भी होता है, मोमो पाव। दिल्ली का मैं बता दो, दिल्ली का ये है कि ना सेम है फॉर्मूला, बस छोले के साथ डाल दो। देखो मैं दिल्ली का फॉर्मूला, हमारे पास हर चीज में वेरायटी। वेस्ट दिल्ली एंटर करी उसके बाद उसको तंदूर में भी डाले, मर ही जाए आदमी, इतनी गंदी हवा होती है। एक रील देखी थी, सुशी आई थी, सुशी को हमने तंदूर में डाल दिया, चाप सुशी, मैदा सुशी, उसको फ्राइड सुशी, सुशी टिक्का, सब कुछ बना दिया भाई। तो हर चीज की वैरायटी बन जाती है, हर कुजीन आपको देखने के लिए। क्या मेट्रो की बात कर रहे हैं? हमारे पास मेट्रो है, हमारे पास भी मेट्रो है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आप जो बोल रहे हो ना भीड़ भीड़, आप आए हो तो आप भीड़ करो। ये ट्रैफिक से मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ भाई। देखो ट्रैफिक तो दिल्ली में भी है, बट दिल्ली में आप एटलीस्ट मेट्रो तो ले सकते हो। अरे ये ऊपर क्या दिख रहा है? ये मेट्रो, ये ऊपर, ये तो ऊपर, तो ये टट्टी है, सॉरी इसके भी ऊपर। एटलीस्ट हमारी मेट्रो में वो सब तो नहीं होता तो तुम्हारी मेट्रो में होता है। अब मैं बोल भी नहीं सकता, मुझे शब्द निकाल नहीं सकता। हमारी मेट्रो में प्यार फैलाया जाता है, इतना प्यार, प्यार की जो बंद कमरे में प्यार होना चाहिए तुम्हारे मेट्रो में होता है। दिल्ली में दिल वालों की कमी है, दिल से प्यार निकलता है। दिल से कहां निकलते हैं? मुंबई इज नॉट फॉर बिगिनर्स ब्रो, जिन्हों पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। भाई भाई का मॉडलिंग करियर चालू होने वाला, हमने बता दिया था कैसे इनको फोटो शूट कराना चाहिए। शोक भाई ने टिप्स दिए अपने लेयर्स में, जो ऐसे फोटोज लेते हैं। तो हमको भी टिप्स दिए कि फोटो शूट करा लो, फिस्किट आ जाए ना यहाँ पे 4-5 फिर मजा आ जाए। भाई पूछ रहे थे कि कंपनी में किसको निकाला, तो हुआ कहते एक बंदे को
वो चोरी कर रहा था, उसने क्या करा कि एक मैन्युफैक्चरर से उसकी बात थी, तो एज अ मिडलमैन बीच में वो 100% कमीशन दे रहा, तो मतलब जो 100 रुपए का फैब्रिक आ रहा था वो उसके हमको 200 रुपए चार्ज कर रहा था, तो वो बीच में 15-20 लाख के अराउंड वो कमीशन दे रहा था, मतलब वो पैसा लेके गया पैसा जो कमाया वो पकड़ लियो। अच्छा पकड़ लिया। हाँ हमारे कनेक्शन थे तो पता चल गया था। थकेश के घर के पास आ चुके हैं हम, अभी आगे मेरा बंगला आएगा लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम आगे जा रहे हैं वड़ा पाव खाने। ये वड़ा पाव है बहुत फेमस। कौन सा वाला? मिठी भाई, इसको नाम मतलब ऐसे बोलते हैं मिठी भाई के सामने वाला वड़ा पाव। ये देखो मैं वही बता रहा था ना, पाव ही पाव है पूरे मेन्यू में, बस पाव है भाई। ऐसा क्यों? नॉर्मल वड़ा पाव लेने का, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, ग्रिल बिल्ड वाला नॉर्मल खाने का मजा करने का भाई। बैंक तुम क्या खा रहे हो? नॉर्मल भाई, नॉर्मल भाई। इसमें मीठा चटनी है, तीखा चटनी है, वड़ा है और पाव है, सिंपल भाई। देखो अच्छा तो लग रहा है। हाँ अरे चीज भी है क्या इसके अंदर? यस, वड़ा पाव में चीज भी होती है। अच्छा बटर है? बाप रे, एक बाइट मारो भाई, यहाँ का बेस्ट वड़ा पाव है। अरे ऐसे नर्वस मत करो, मेरे गरम होगा, गरम होगा बोल रहा हूँ ना। बोल रहा हूँ भाई को गरम होगा, गरम होगा भाई, तगड़ा तो भाई। एक बर्नर, एक बर्नर हो गया। मैं एक्चुअली वड़ा पाव को गरम कर दिया मैंने, मुंह में डाल। बट दिक्कत है देखो, ये तो बढ़िया, बट वैरायटी की दिक्कत है यार। सारा धंधा बिजनेस जो आ रहा है सारा गुड़गांव से आ रहा है। मुंबई में आ रहे हैं ना सब? आप मुंबई में क्यों आए हो? मुंबई में देखो मैं तो थकेश के लिए। नहीं 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 नहीं, मुंबई में क्यों आए हो? ये म्यूनी सोडा क्या होता है? सादा है। अच्छा सादा। मेरे को भी एक, मेरे को भी एक सोडा लगा, म्यूनी सोडा। मैं बोला इसको तो लेना पड़ेगा। ये डोसा में क्या कर दिया यार? दिल्ली में इज्जत करते हैं भाई खाने की, कैसे यहाँ पर मुंबई में? आप ना गाड़ी की चॉइसेस भी बहुत लिमिटेड है, बताओ क्यों है? क्योंकि स्पीड ब्रेकर पे गाड़ियां टच हो जाती है, तो आप मर्सिडीज सी क्लास ले लो या जो भी ले लो, तो आप चला नहीं सकते ऐसे फ्रीली की, क्योंकि स्पीड ब्रेकर थोड़े बड़े। एसयूवी ज्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि ट्रैफिक में बैठना होता है बहुत टाइम। हाँ भाई ऐसे में बैठे तो अच्छा रहता है। बेसिकली होता क्या कि मुंबई के लोग यहाँ पे गाड़ियों में ही अपना पूरा दिन बिताते हैं, जिंदगी गाड़ियों में और लोकल ट्रेन में निकल जाते हैं। दिल्ली में भी ट्रैफिक तो बहुत है यार, दिल्ली में भी मतलब कुछ एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ऐसे तो मैं रहना होता कितनी मर्सिडीज खड़ी कर देता हूँ, बट वो यू नो स्पीड ब्रेकर्स का, स्पीड ब्रेकर्स की दिक्कत आए और वो फिक्स हो जाए तो फिर मैं लाइन लगा दूंगा। मैं मेरा हर एक, अभी अपन चार लोग हैं ना, चारों अलग अलग गाड़ी में जाते हैं, निकलता भाई वड़ा पाव के लिए भी अलग गाड़ी जा रही होती। दिल्ली में मेरा घर था, तो उस घर के अंदर हमारा अमरूद का पेड़ था। क्या बात कर रहे हैं? और दिल्ली में बहुत कॉमन है लोगों के घर में पेड़, पेड़ जितने तो घर होते हैं हमारे। रियल एस्टेट तो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत महंगा है, न्यूयॉर्क से ज्यादा है। नरीमन पॉइंट एक्सपेंस। जब तेरे पास पैसा है लोग पूछेंगे भाई तू कैसे है। जिनके घर कांच के होते हैं वो गणपति जी को लेके जाते हैं, हम भी अगर लकी हुए तो हम भी देख। सुबह से चालू हो जाएंगे निकलना क्योंकि 8-8, 9-9 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं कभी कभी, वो चलते ही रहता है, वो इतने बड़े धीरे धीरे चलते रहते डांस वांस करके 50 लोग धक्का मार। दिल्ली में मतलब इतना तगड़ा कोई सेलिब्रेशन तो मेरे ख्याल से किसी फेस्टिवल में, यहाँ पे दही हंडी और नवरात्रि ऑफ कोर्स। दिल्ली में होता है दिवाली होता है, जन्माष्टमी भी होता है, मेला वेला लगता है। मेला लगता है वो जो थर बनाते हैं ना? हाँ वो नहीं होता, वो दिल्ली के साइड में नहीं होता, वो होता है थाने में, जो थाने में होता है थाने पे मजा, वो जो मटकी लगती है उसको तोड़ते हैं। ये साल तो उसकी प्रो लीग भी बनी है, जैसे प्रो लीग। हाँ वैसे ही मतलब दे हैव बीन ट्रीटेड लाइक प्रॉपर स्पोर्ट्स मैन, क्योंकि अभिषेक बच्चन इज द ब्रांड एंबेसडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या ये है क्या तुम्हारे दिल्ली में? क्या करते हो? गोटियां खेलते हो? गोटियां यहाँ पे नहीं खेलते, यहाँ पे तो खेलता हूँ गोटी भाई, यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड है ना यार, हमको गोटी भी खेलते हैं ग्राउंड में, बड़ी बॉल से भी भाई, हम तो फुटबॉल वुटबॉल तो खेलते हैं, ग्राउंड्स बहुत है जैसा है, बचा के रखे हैं कुछ। मुंबई में हमेशा आप ट्रैफिक का बहाना दे सकते हो, हाँ। कहीं भी जाओ है ट्रैफिक था भाई, और कोई शक करेगा ही नहीं आप पे। कल तो बहुत जोर ट्रैफिक होगा, कल तो भाई कल निकलना नहीं है, कल बाहर नहीं निकलना, अपनी गाड़ियां सब घर पे रखते हैं लोग, और कार लेके तो वो गलती से जाने, ट्रेन से जाओ या तो चल के जाओ।
भाई ये वाली जो बिल्डिंग है इस पे ना ऐसे कोबरा वाला पैटर्न बना है, बट महेश भाई बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, ये भी। तो अभी हम आ चुके हैं बीच पे, यहाँ पे घोड़े हैं बहुत सारे। अरे बाप रे, ये तो भाई खुले खड़े हैं, ये तो पेल सकते हैं भाई। मेरे को एक बात कभी समझ नहीं आई, ये वाले पत्थर ऐसे हैं, वो वाले पत्थर ऐसे ट्रायंगल वाले क्यों होते हैं? वो पत्थर वो वाले ट्रायंगल है ना, वो जैसे बन के नहीं आए, ये तो नेचुरल रॉक्स है। को भी नहीं पता क्या ट्रायंगल क्यों होते हैं? अरे वो ट्रायंगल किस लिए होते हैं? पानी रोकने के लिए होते हैं, मुझे पता है वो भी। और दूसरा, जब वो सात आइलैंड जोड़ रहे थे ना, तो उन्होंने ऐसे पत्थर डाल के फिर मिट्टी डाली थी, तो उसको सबको जोड़ के रखते हैं, तो ये पत्थर। मुंबई के लोगों को नहीं पता भाई, यहाँ पे जगह काफी है, बारिश होने वाली है खतरनाक। मैं बोल रहा था खुली हवा कैसी लग रही है? पहली बार आपको ऐसा डेब्यू होगा आपका खुली हवा के साथ। यहाँ पे ना सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल के लिए बहुत चीजें करते हैं, कि फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली आते हैं, हम बहुत सारी चीजें डाल देते हैं ना। सर्वाइवल तो होता है लोकल ट्रेन में, मेरे को वो तो पता चल गया था। पहले दिन मैं जब यहाँ पे आया था ना लोकल में, मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। स्टोरी मैं बताई हुआ कि मम्मी बहन तो चढ़ गए ट्रेन पे, लोकल ट्रेन, तो हुआ कि टैक्सी करके आते तो वो लेट जाते क्योंकि फ्लाइट आने वाली, तो लोकल ट्रेन में मम्मी बहन चढ़ गए बिना बैग वैग उठाए, और पापा भी एक दो बैग उठा के चढ़ गए, अब चार आ गए, मैं सारे उठा के चल रहा था, तो अब मेरी हालत टाइट की वैसे बाहर अंदर लटक रहे, तो अब मेरे को चढ़ना ही है, और हाथ ऐसे में पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि बैग अटक रहा था तो, और ट्रेन हल्की सी चलने लगी, अब मैं बस चढ़ गया। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे ऐसे पकड़ लिया था ऐसे कॉलर से, और एक स्टेशन में ऐसे लटके लटके पहुंचा। मेरी इतनी हालत खराब हुई कि भाई हल्का सा ग्रिप छूट थी। मैं 4 साल ऐसे ट्रैवल किया, जान ले भाई इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ओके। अरे बारिश हो गई, बारिश हो गई, गीले नहीं होना भाई, गीले नहीं, घोड़े ही भाग रहे हैं। पापा पूरा बोलोगे मुंबई का? भाई मुंबई में ना लोगों को ऐसे भाग भाग के पकड़ने की आदत हो गई है ना लोकल। मुंबई में अब लोकल ट्रेन में ट्रेवल करोगे मोस्टली सब फिट दिखते हैं, भाग नहीं पाओ तो क्या करो आप, भीगते रहो। दिल्ली में और गाड़ी में आराम से ट्रैवल करो, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई में क्या है, कभी किसी को खंडाला आएगा चिल करने बीच पे आते, मरीन ड्राइव पे जाके बैठ जाते, वो मजा नहीं लगे। वो खंडाला कहाँ पे? खंडाला बोलते हैं ना, चलती का खंडाला है जब मैंने सुना है, जाना चाहिए आपको, बहुत मजा आएगा, खासकर ये सीजन में, हिल स्टेशन टाइप है, लोना वाला खंडाला बहुत मजा आता है। तो मुंबई में नहीं हो? मुंबई से थोड़ा 1 घंटा दूर है, 1 घंटा तो यहाँ पे आने को लग गया अपने को। हमारे यहाँ जो चिल करते हैं वो मैंने देखा है कि लोधी गार्डन में काफी लड़के लड़कियां चिल करते। अच्छा वो वाला हमारे इधर बांद्रा फोर्ट है भाई। अच्छा बांद्रा फोर्ट भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल से वही वाला एरिया ना, सब एक्टर स्टार सेलिब्रिटी वाला एरिया भाई। भाई यहाँ पे बहुत रहते हैं क्या स्टार वार? मैंने देखा कि स्टार्स बांद्रा की तरफ भी रहते हैं, वर्सोवा में भी रहते हैं, मतलब स्टार्स यहाँ पे दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत देखने मिलते हैं ऐसे भी, और ऊपर भी यार पोल्यूशन नहीं है ना। कौन है सबसे बड़ा स्टार? कौन है यहाँ पे? शाहरुख खान। वो दिल्ली के भाई, वो सलमान खान तो दिल से अच्छे है ना, तो है तो असली में दिल्ली। विराट कोहली भाई दिल्ली के, विराट मुंबई शिफ्ट हुआ है, शाहरुख खान मुंबई शिफ्ट हुआ है, और एक वो है महेश केशवाला, वो कौन भाई? अरे हाँ वो मैं बोले तो वो तो सबसे बड़ा स्टार दिल्ली में, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी दिल्ली में, सारी गवर्नमेंट दिल्ली में भाई, सारी पावर दिल्ली में ही है। अंबानी हमारे पास सबसे बड़ा, अंबानी ये बैठा है इधर दिल्ली का। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारा खर्चा भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से हमारा पैसा बढ़ रहा है। भाई तुम भीग गए थे बारिश में, अब आ गए, हमको वाटर प्रूफ कपड़े बनाने चाहिए। आज हम आ चुके हैं भाई, अभी हमने एक काफ़ी प्रोडक्टिव सी मीटिंग करी, हमने काफ़ी सारी बातें की, मोहम्मद भाई से मिल गए। मोहम्मद भाई एक्चुअली माय फिटनेस के फाउंडर हैं, जो आप पीनट बटर खाते हैं सर का इन्वेंशन था, और सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया करी, और हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हमको बता रहे थे कि पैसा ज़्यादा आ जाए तो क्या करना होता है। प्रॉब्लम थी कि ये बताया क्या नहीं करना होता है। अगर किसी का पैसा ज्यादा आ जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा है, फिलैंथ्रोपी करनी चाहिए। गिविंग बैक टू द सोसाइटी, हमको काफी एक इंस्पिरेशन मिलती है, काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। हाँ वो प्रॉब्लम्स भी ले आते हो कि अगर 1,000 करोड़ आएंगे तो क्या करते हो। हमारा क्वेश्चन तो आया 1,000 करोड़ जब बैंक में आते तो मैसेज कैसे आता हूँ? इन्होंने बताया कि 5-6 डिजिट दिखते नहीं, 1 लाख के मत कितनी अमाउंट है वो पता नहीं चलती है, प्रॉब्लम आता रहता है। जब हम इंडिया में रह रहे हैं, कि मुंबई या दिल्ली या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो
स्पेशली मुंबई में तो ऐसा है कि इनडिफरेंट है कि हज़ार हो कि 10,000 करोड़ भी हो, सेम रूट से जाना है, सेम सिर्फ गाड़ी का कलर और सीटें चेंज होती है, बाकी खाना पीना और लाइफस्टाइल तो सबकी सेम ही है। तो बहुत मतलब पैसा चेज भी नहीं करना चाहिए, सेटिस्फेक्शन आ जाए, इतना हो जाए। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे एक 1,000 करोड़ के फाउंडर एंड एक 30-40 हज़ार करोड़ के फाउंडर जिनकी नेटवर्थ है उनका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम होता है, कभी कभार तो 30,000 करोड़ के फाउंडर का लाइफस्टाइल थोड़ा सा कम होता है। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल रहना पसंद करते हैं। मतलब पैसा जब इनिशियली आता था वैसे थोड़े शौक होते हैं कि गाड़ी ले लिए ले लो, बट उसके बाद वो शौक मतलब खत्म से हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा चिल करने लगता है। आपका कैसे, आपके क्या क्या शौक है? बस धंधा बनाने का शौक है, अभी वापस से श्लोक भाई के साथ भी कुछ स्टार्ट करने का प्लानिंग है। तो सर के 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे साथ भी, हम एक स्टार्ट करने वाले जो आपको जल्दी पता चल जाएगा, और एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एक प्रोडक्ट ब्रांड ही एक क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी आपको मिलेगा, काफी धूम मचेगी ऐसे। गुड लक सर, मिलते हैं हम जल्दी। हमेशा भाई सबसे मिल के एक एक्सपीरियंस सा अलग सा होता है, Work needs to be done.